मॉर्निंग वेलकम टू मई ब्लॉग्स, मैं आपका स्वागत है। तो क्या चीज़ बना रही हूँ, तो क्या चीज़ का खिचड़ी है तो दिखा रहे हैं आपको, बैठ कर मैं से दिखा रही हूँ मैं फ्रंट कैमरा से, ठीक है। तो ये आलू है, आलू उबाल करके रखे हुए हैं चोखा के लिए, और देख सकते हो आज खिचड़ी बना रही हूँ। तो चावल है, मैं सामने से दिखा रही हूँ, चावल है और मूंग दाल है, और तड़का के लिए मैं प्याज ली हूँ, दो प्याज है, मिर्ची है सूखा मिर्चा, और इसमें भून करके रखेंगे। इसमें चोखा में डालने के लिए इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और हरी मिर्च है इसका तड़का डालेंगे। और ये देख सकते हो जीरा है, जीरा गूढ़ा जीरा, गोल मरीच और हींग, और ये सब है धनिया, धनिया पाउडर, मिक्स मसाला, नमक, हल्दी, तो ये डाल करके हम बनाएंगे तो खिचड़ी। और हमारा कुकर गर्म हो रहा है, जीरा का तड़का डालती हूँ, फोरन हमारा जीरा पड़ गया है, तो इसे हींग डालूंगी। देखते हैं आज हमारा हींग ज्यादा पड़ गया है तो आज हमारा खिचड़ी कैसा लगता है, खराब लगेगा क्या लगेगा, समझ नहीं आता है। तेज पत्ता, तेज पत्ता डाली हूँ इसमें, तो तेज के लिए घी डालेंगे इसमें, उसके बाद तो इधर मैं दाल को भून लूंगी डाल करके, मैं चावल को भी खिला सकती हूँ। तो अगर ऐसे तपला भी बनाना चाहोगे तो बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लेट होगा पकने में। एक चम्मच मिक्स मसाला, हाफ चम्मच धनिया पाउडर, डालूंगी हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा आलू डाल देंगे चोखा वाले, और मैं डाल दूंगी एक टमाटर। आराम आराम से कट कीजिएगा नहीं तो हाथ कट जाएगा। इसको मिक्स कर लेंगे, पानी एक जग, इन सिटीज में लगाएंगे तो हमारा खिचड़ी हो जाएगा कंप्लीट। तो इधर मैं चोखा को मैं इस लेती हूँ, तो हमारा काफी ठंडा हो गया चोखा, आलू
प्याज को काट करके रख दे रही हूँ, कट करके, क्योंकि उसे मैं खिलाऊंगी नहीं, ना खाने नहीं खिलाऊंगी प्याज, नहीं तो इसमें कर देगा पापड़ का थोड़ा चोखा हो जाएगा। तो पापड़ को छान लूंगी, पापड़ थोड़ा सा छानेंगे। ठंडा होगा उसके बाद खिचड़ी निकालेंगे।